15 अगस्त 1947 यानी देश की आजादी का दिन। उस दिन पूरे देश में वंदे मातरम का प्रसारण किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के न्योते पर एक नामी गिरामी कलाकार ने मुंबई के ऑल इंडिया रेडियो में वंदे मातरम की रिकॉर्डिंग की। उस कलाकार ने बस एक शर्त रखी थी कि वो इस रचना को धुन तभी देंगे जब उन्हें पूरी रचना गाने दी जाएगी, जिसके लिए सभी लोग तैयार हो गए। नमस्कार, मैं हूं गिरिजेश और आज मैं आपको सुनाऊंगा वंदे मातरम गाने वाले उसी महान कलाकार पंडित ओंकार नाथ ठाकुर की कहानी। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर का जन्म 24 जून 1897 को गुजरात के बड़ौदा में हुआ था। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। दादाजी और पिता मिलिट्री में नौकरी किया करते थे। दादाजी ने नवाब साहब पेशवा के लिए और पिता ने बड़ौदा की महारानी की सेना में काम किया था। परिवार की आर्थिक स्थिति तब और बिगड़ गई जब ओंकार नाथ ठाकुर के पिता गौरी शंकर ठाकुर काम धाम छोड़ एक सन्यासी की शरण में चले गए। सन्यासी की शरण में जाने के बाद पिता लगातार ओंकार का ही जाप किया करते थे। कुछ ही समय बाद उन्होंने घर भी छोड़ दिया और दूर एक कुटिया में जाकर रहने लगे। अब माँ के सामने बच्चों को पालने पोसने का संघर्ष था। माँ ने उस संघर्ष को स्वीकार किया। वो दूसरों के घरों में जाकर काम करने लगी। अब जब जद्दोजहद हो खाने पीने की तो पढ़ाई का तो सवाल ही नहीं उठता। लिहाजा बहुत ही शुरुआती दौर की शिक्षा के बाद पंडित ओंकार नाथ ठाकुर को पढ़ाई लिखाई छोड़नी पड़ी। वो माँ का हाथ बटाने में जुट गए। लेकिन आफत तब और बढ़ गई जब अचानक पिता का निधन हो गया। इसके बाद ओंकार नाथ ठाकुर ने परिवार चलाने के लिए रसोइये से लेकर मिलों तक में काम किया। कुछ समय बाद वो एक रामलीला कंपनी से भी जुड़ गए। गले में सरस्वती का वास तो था ही, लिहाजा गायकी में मन बहुत लगता था। संगीत सीखने की ललक भी थी। इस ललक में वो यहाँ वहाँ भागते रहते, पर स्थितियाँ विपरीत थी। आखिरकार एक रोज एक पैसे वाले सेठ डुंगा जी ने ओंकार नाथ ठाकुर का गायन सुन लिया। सेठ जी को संगीत का शौक था। उन्होंने तुरंत ही फैसला किया कि ओंकार नाथ ठाकुर ग्वालियर घराने के विश्वविख्यात कलाकार पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर से शास्त्रीय संगीत की तालीम लेंगे। बहुत जल्द ही पलुस्कर जी ओंकार नाथ ठाकुर की प्रतिभा के कायल हो गए। उन्होंने अपने शिष्य ओंकार को अपने सभी कार्यक्रमों में मंच पर अपने साथ बैठाना शुरू किया। गुरु के इस विश्वास का बहुत गहरा असर पड़ा ओंकार नाथ ठाकुर पर। 21-22 साल की उम्र रही होगी जब उन्हें पहली बार अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने का मौका मिला। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जब तक जीवित रहे तब तक पंडित ओंकार नाथ ठाकुर उनसे तालीम लेते रहे। पंडित जी ने यजुर्वेद के श्लोक को कंपोज किया। उन्होंने जयशंकर प्रसाद और दिनकर जैसे कवियों की रचनाओं को म्यूजिकल ड्रामा में तब्दील किया। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर अपने इस शिष्य से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने ओंकार नाथ ठाकुर को लाहौर के गंधर्व महाविद्यालय का प्रिंसिपल बना दिया, जहां उन्होंने 4 साल तक शिक्षण कार्य किया। कहते हैं पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जब रियाज करते थे तो उन्हें राग रागिनियों के दर्शन हो जाया करते थे। ये सुरों पर उनकी सिद्धि को साबित करता है। बाद में पंडित जी जब मुंबई आ गए तो उनकी मुलाकात उनके एक शिष्य बलवंत राय से हुई। ठाकुर बलवंत राय के साथ ये किस्सा बड़ा मशहूर है। दरअसल बलवंत राय देख नहीं सकते थे। शुरू में तो पंडित जी ने उन्हें सिखाने में असमर्थता जाहिर की, पर बाद में वो तैयार हो गए। फिर बाद में तो बलवंत राय को वो बेटे की तरह मानने लगे थे। जब कभी पंडित जी कहीं काम में व्यस्त होते तो उनकी कक्षाएं ठाकुर बलवंत राय की देखरेख में ही होती। बलवंत राय से पंडित ओंकार नाथ ठाकुर को इतना स्नेह था कि वो कहा करते थे, जब बलवंत राय गाएगा तो मेरे गाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पंडित जी को भी अपने शिष्यों से बहुत आदर सम्मान मिला। 1954 में पद्म पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। पहले ही साल में पंडित ओंकार नाथ ठाकुर को उनके शास्त्रीय गायन के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार उन्हें देश के पहले राष्ट्रपति पंडित राजेंद्र प्रसाद ने दिया था। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर को 1954 में दिल का दौरा पड़ा। ऊपर वाले की कृपा से वो बच गए। लेकिन 1965 में उन्हें स्ट्रोक हुआ, जिसकी वजह से उनके शरीर का एक हिस्सा पैरालाइज्ड हो गया। इसके करीब 2 साल बाद यानी 1967 में पंडित ओंकार नाथ ठाकुर का निधन हो गया।
हाल ही में भारत सरकार ने उनकी याद में पोस्टल स्टैम्प जारी किया था। इसके अलावा बनारस के भारत कला भवन में अब भी पंडित ओंकारनाथ ठाकुर से जुड़ी तमाम यादें संरक्षित हैं। नमस्ते, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप रागिरी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इन वीडियोस को लाइक कीजिए और Facebook और Twitter के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।